अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको इस रमज़ान में कुछ यूनिक ट्राई करना है तो इस चिकन रोल को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत टेस्टी और यूनिक बनता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखें, ये दिखने में ही बहुत क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होता है। चलिए चलते हैं एक न्यू रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैं एक पाव यानी 250 चिकन बोनलेस है बिना हड्डी वाली, इसे मैं बॉयल करके, सिर्फ आपने इसमें पानी थोड़ा नमक डाल के इसे बॉयल कर लेना है। अब इसे ग्राइंडर में डाल के इसे बिल्कुल फाइन नहीं करना है, इसे इसमें पानी होनी कुछ नहीं डाले, इसे ग्राइंड कर ले, दरदरा ग्राइंड कर ले। देखिए इसे ग्राइंड कर ली, ये बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं किए हैं, दरदरा ही है, ऐसा ही रखना है। देखिए एक कढ़ाई ले ले, अब इसमें मैं 3 से 2 स्पून तक ऑयल ऐड कर दी। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं, थोड़ा वेट कर ले। देखिए ऑयल गर्म हो गया, अब ये 4-5 लहसुन की कलियाँ जिसे मैं कट कर ली हूँ, इसे ऐड करके इसे थोड़ा सौते कर लें। इसी में एक बड़े साइज के प्याज जिसे मैं कट करके इसमें ऐड कर ली, और एक हरी मिर्च। अब इसे इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना था, बस इसका कलर चेंज करना था। अब इसमें एक बड़े साइज के टमाटर, मीडियम साइज के शिमला मिर्च जिसे मैं छोटे छोटे कट करके इसमें ऐड कर दी। इसी में कुछ मसाले जाएंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसे पानी नहीं डाले, बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को प्याज और शिमला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे पका ले, मसाले को भी ये अच्छे से भून जाएंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून गया, अब इसमें चिकन को ऐड कर लें। धनिया पत्ती डाल दें 1/2 टेबल स्पून तक, इसमें चाट मसाला ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे 3-4 मिनट इसे पका लेंगे। देखिए इसे 3-4 मिनट मैं बिना ढके ही सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर ली, और मसाला भी भून गया। अब इसे अपने चूल्हे से उतार लेना है, अब इसे किसी प्लेट में निकाल ले ठंडा होने के लिए। देखिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल दी, अब इसे रख दे ठंडा होने के लिए। अब एक आपने ये समोसा पट्टी लेना है, आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। आपने कॉर्नफ्लेक्स ले ली, अब इसे मैं तोड़ ली हूँ, और ये एक समोसे की पट्टी लेके आपने इसे थोड़ा बीच में रखना है, और फिर से इसे रोल के जैसे ऐसे करके बना लेना है रोल से। देखिए इसके किनारे पे थोड़ा सा ये लगा के इसे ऐसे चिपका ले। अब ये दोनों तरफ ना आपने इसे मैदे के घोल में डिप करना है। देखिए अब फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स में ऐसे डिप कर लेना है, ऐसे ही सारा तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसा ही सारा बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इधर ऑयल ले ली, ऑयल गरम हो गया, अब इसे एक एक अच्छे से
डाल के इसे फ्राई कर ले। अब इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैं फ्राई कर ली। अब इसे निकाल ले। देखिए इसे चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ इसे खाएं, बहुत टेस्टी और ये स्पाइसी बनके तैयार होता है। आप इसे ज़रूर अपने दावत या इफ्तार पार्टी में इसे ज़रूर ट्राई करके एक बार देखें। वो देखें बहुत क्रिस्पी ये बना है, बहुत टेस्टी ये लगता है खाने में भी, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है।